11th student, welcome to Tirupati International School e-learning classes. We are here dealing with our third lecture of the subject business studies. Okay, till now we have just studied about the basic knowledge about the what do you mean by business. फिर हमने जाके उनकी वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ देखी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. फिर जाके हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी में तीन तरीके उसके देखे थे, जो था बिजनेस, प्रोफेशन एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट. ओके, वो तीनों का हमने कंपैरिजन देख लिया था इन अवर सेकेंड लेक्चर. ओके, टिल दिस वी हैव स्टडीड इन अवर फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर. आज हम स्टार्ट करेंगे, हमारी फर्स्ट यूनिट ही है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. उसके नाम के साथ, नेचर ऑफ बिजनेस के साथ हम स्टार्ट करेंगे. ये नेचर ऑफ बिजनेस एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस भी कही जाती है. ओके, दैट इज अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे या फिर नेचर पूछे, दोनों कोई भी क्वेश्चन पूछे, दोनों का आंसर रहेगा सेम एंड ओनली सेम. ओके, अब स्टूडेंट्स देखो, जैसे हम ये बिजनेस स्टडी का स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो इसमें आपको हमेशा कोई भी टॉपिक होगा उसके साथ साथ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उसकी नेचर, उसके इम्पोर्टेंस, उसके ऑब्जेक्टिव्स, ये तरीके के क्वेश्चन हमेशा आते रहेंगे. ओके, घबराने की ज़रूरत नहीं है. बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स के 5-6 पॉइंट याद रखे, ऑब्जेक्टिव्स के याद रखे, इम्पोर्टेंस के याद रखे. आपको याद तो रखने हैं, लेकिन आपको पहले उसका प्रॉपर मीनिंग समझना होगा. ओके, अगर आपने उसका प्रॉपर कंटेंट ऑफ द मीनिंग अगर आपने समझ लिया ना, देन इट वुड बी वेरी इजी विद दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. ओके, किस तरीके से हमने पहले सेशन में हमने देखा था कि बिजनेस मतलब क्या है. बिजनेस मतलब बीइंग बिजी के साथ साथ बिजनेस वर्ड में ही हमने एक पूरी डेफिनेशन बिजनेस की पढ़ी थी. क्या थी, लेट्स रिवाइज इट वंस अगेन. मैं फिर से इधर लिख रही हूँ. दैट इज हमने क्या देखा था कि बिजनेस क्या है, इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. उसके साथ साथ हमने क्या लिखा था, इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, उसके साथ साथ इट इज ऑल्सो एन ऑक्यूपेशन हमने लिखा था. फिर क्या था, इट डील्स ऑन अ रेगुलर बेसिस में डील करता है. रेगुलर बेसिस में क्या डील करता है, तो क्या आता था, प्रोडक्शन और परचेज. प्रोडक्शन और परचेज किस चीज़ का आता था, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यस, यू ऑल आर रिमेम्बरिंग. किस चीज़ का आता था, प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज. इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट एक क्या आता था, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सेल्स भी आता था कि प्रोडक्शन कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उसके बाद वही गुड्स और उसका सेल भी कर रहे हैं. क्यों, क्योंकि सेल के साथ साथ ही हमें इनकम जनरेशन होगा. इनकम जनरेशन के साथ साथ ही ये पूरा का पूरा बिजनेस किसके पीछे है, दैट इज प्रॉफिट. टू अर्न द प्रॉफिट. दिस इज बिजनेस इज टोटली होल रिवॉल्विंग अराउंड द प्रॉफिट ओनली. ओके, ये हमने क्या देखा था, यही थी हमारी डेफिनेशन कि बिजनेस एज ऑक्यूपेशन है. बिजनेस फिर हमने देखा था एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है. फिर वो बिजनेस क्या करता है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे कोई भी चीज़ प्रोडक्शन करो, परचेज करो या फिर उसको सेल आउट करो गुड्स और सर्विसेज की, विथ अर्निंग प्रॉफिट, विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, वो क्या हो गया था, वो हो गया था हमारा बिजनेस. तो यही बिजनेस के डेफिनेशन के साथ साथ हमें लिंकअप करना है क्या, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. कि बिजनेस की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कि कौन कौन से पॉइंट्स बिजनेस के अंदर इंक्लूडेड होते हैं, दैट इज हाउ बिजनेस इट इज. ओके, इसके साथ ही आपको पता तो चल गया कि हाउ बिजनेस इट इज, ये किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट होगा. तो क्या है बिजनेस, एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी है. बिजनेस इज वन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. फिर क्या है, रेगुलर बेसिस पे वो काम करता है. ऑक्यूपेशन तो सारे हैं, दैट इज हमने बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, वो सारे ऑक्यूपेशन है. तो ऑक्यूपेशन का पॉइंट हम ना ले तो चलेगा. क्या है वो रिगार्डिंग द रेगुलर बेसिस, रिगार्डिंग रेगुलर बेसिस होता है. फिर क्या होता है, ये प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोडक्शन करते हैं, परचेज करते हैं, परचेज मतलब कि प्रोक्योरमेंट, वो ही करते हैं प्रोडक्शन ऑफ. फिर क्या करते हैं, सेल्स भी आ गया, और एट द एंड क्या आता है, प्रॉफिट.
एट द एंड ये आता है प्रॉफिट। तो यही वो डेफिनेशन के साथ साथ हमको कितने पॉइंट्स मिले, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, और ये हो गया आपका पांचवा पॉइंट। कितने, पांच पॉइंट तो कैरेक्टरिस्टिक्स के हमने सिर्फ एक डेफिनेशन पढ़े उसके साथ साथ हमने समझ लिया। कितना अच्छा, कितना इजी। इफ यू आर रिमेंबरिंग दिस वन डेफिनेशन यू कैन ऑल्सो कंप्लीट योर सेकेंड क्वेश्चन दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। ईजी वे में आप इनको पॉइंट के साथ एक्सप्लेन कर दो तो हो गया पांच कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके साथ साथ मैं और एक पॉइंट आपको ऐड करवाऊंगी। ओके चलो अब मैं ये रब कर लेती हूँ और अच्छी तरीके से पूरी अच्छी तरीके से लिखती हूँ कि हाउ इट इज टोटली मीन बाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। ओके इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि पहले जो डेफिनेशन था ना उसके ऊपर अगर आप ज़्यादा ध्यान दो तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। ओके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, तो द फर्स्ट पॉइंट इज बिजनेस क्या है एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों, क्योंकि वो एक इनकम के मोटिव के ऊपर की जाती है, दैट इज़ वी आर देयर फॉर द प्रॉफिट अर्निंग। हम पैसों के साथ साथ वो काम करते हैं, हम पैसे का लेन देन करते हैं विद द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके इसीलिए वो कही जाती है हमारी एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये हो गया पहला पॉइंट, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर जाके हमारा दूसरा पॉइंट क्या था, इट इज़ बेस्ड ऑन रिगार्डिंग रेगुलर बेसिस। तो हम इसमें लिख सकते हैं दैट इज डीलिंग इन अ रेगुलर बेसिस। डीलिंग इन अ रेगुलर बेसिस किस चीज़ के लिए, और लिखो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस। डीलिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो रिगार्डिंग अ रेगुलर बेसिस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके डीलिंग इन अ रेगुलर बेसिस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले बिजनेस के साथ साथ उसके नाम के साथ ही देखो, आप बिजनेस का नाम के साथ ही देखो क्या वर्ड आता है, बिजी, बिजीनेस। ओके मतलब कि आप कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी में आप कुछ ना कुछ इन्वॉल्व हो, दैट इज यू आर बिजी इन सम अदर अदर एक्टिविटीज। तो आप जो कुछ भी काम रेगुलर बेसिस पे करते हो वही कह जाता है आपका बिजनेस। वन मोर टाइम, अगर आपको कुछ, आपने कोई बार एक चीज़, जैसे कि आपको है ना आपके घर में ऐसे ही फर्नीचर पड़ा है, आपने वो फर्नीचर सोचा कि चलो भाई ये मेरे को आज ज़रूरत नहीं है, मैं वो फर्नीचर बेच देता हूँ, आपने एक बार बेचा, फिर आपने दूसरी बार वो टेबल बेचा पहली बार, फिर दूसरी बार आपने सोचा कि भाई ये चेयर भी मेरे काम की नहीं है, ये चेयर भी मेरे को बेचनी है, आपने दूसरी बार बेचा। तो आपने एक या दो बार ही वो एक्टिविटी की, तो वो एक्टिविटी आपके बिजनेस नहीं मानी जाती। आपके पास उसके पैसे तो आए बच्चों, समझो मेरे पास पैसे तो आए, वो सामान आपने बेचा तो आपके पास पैसे आए, लेकिन वो आपका बिजनेस नहीं है। अगर वो ही आप अलग अलग जगहों से, मतलब कि आपने वो ही बिजनेस कर लिया कि भाई मेरे को ये सारी चीज़ें बेचनी है, आपने वो ओलेक्स ऐप नहीं है, ये आपने नाम सुना होगा, ये ऐप में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी पुराना सामान है आपको बेचना है तो डायरेक्टली फ़ोटो क्लिक करो, उसके स्पेसिफिकेशन लिख लो और उसका अमाउंट लिख लो, आप डायरेक्टली अपलोड कर दो ये ऐप में, तो कोई भी कस्टमर को चाहिए तो वो डायरेक्टली ये ऐप देख लेगा। तो आप रेगुलर अमाउंट ऑफ बिजनेस करने लगे यही पे, दैट इज़ एक बार बेचा, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, आपने जो कोई भी कोई आजू बाजू वाले या फिर आपके रिलेटिव्स होते हैं वो ने, उन लोगों ने भी आपको दिया भाई ये है फ़ोटो, आपने ये इस तरीके से बिजनेस ही स्टार्ट कर लिया, इस तरीके का बिजनेस स्टार्ट कर लिया। आप रेगुलर अमाउंट बेसिस पे इस ऐप में आप बेचते जा रहे हो तो क्या होगा, अगर आप इस ऐप में रेगुलर बेसिस पे बेचते जा रहे हो तो आप कहलाते हो आप इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए, दैट इज़ यू आर डूइंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। आप कोई गुड्स को बेच रहे हो या फिर कोई गुड्स को उसके आपने जो बेचा वो अमाउंट में आपको इंटरटेन, यू आर गेटिंग सम अदर अमाउंट ऑफ रिप्रेजेंट। ओके तो यही हो गया आपका रेगुलर बेसिस में जो कुछ भी आप काम करते हो तो वो हो जाता है आपका बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। ओके अब समझो तीसरा पॉइंट हमारा कौन सा था,
रेगुलर बेसिस पे हो गया, आप डेफिनेशन के साथ ही याद रखो इकोनॉमिक एक्टिविटी रेगुलर बेसिस. फिर क्या आता था, प्रोटेक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोटेक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये गुड्स एंड सर्विसेज लिखना जरूरी है बच्चों, क्यों, क्योंकि आप किस चीज का प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट कर रहे हो. ऑब्वियसली गुड्स आप देते हो या फिर कोई सर्विसेज आप लेते हो तो उस चीज का भी आप करते हो. दैट इज प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट. प्रोक्योरमेंट मतलब इफ यू आर परचेजिंग सम अदर थिंग, उसमें हमने वर्ड परचेज लिखा था तो इसमें हमने थोड़ा सा नया इन्वॉल्वमेंट किया है वर्ड का, वो होता है प्रोक्योरमेंट. ओके, दैट इज यू आर परचेजिंग सम अदर अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, तो क्या हो गया, कोई भी चीज़ आप प्रोडक्शन करते हो रेगुलर बेसिस पे तो वो हो जाता है आपका बिजनेस इन्वॉल्वमेंट.
Okay, students, the next objective will